बिहार के दरभंगा जिला से एक बार फिर से बड़ी खबर आ रही है। चाय के दुकान पर गोली चलने की खबर। बता दें कुछ युवा वहां पर पहुंचते हैं और चाय पीते रहते हैं। इस बीच एक युवक पहुंचता है और ग्लास में पानी पीता है। इसके बाद जो है वहां पर कुछ कहा सुनी होती है और उसके बीच ही गोली चल जाती है। बड़ी खबर बता दें, दरभंगा में दोपहर में खान चौक कब्रिस्तान के ठीक सामने दुकान के पास गोली 3 राउंड चलने की खबर आ रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहां पर कुछ लोग गाड़ी लगाकर चाय पी रहे थे, तभी एक शख्स ने वहां पानी पीने की बात कही। तभी अचानक से उसको पानी की गिलास में कुछ बदबू आया, जिसको लेकर के वहां पर बहस हो गई। बहस के बाद कुछ 4 नौजवानों ने वहां पर हाथापाई शुरू की। स्थानीय लोगों के साथ और लोगों ने बताया कि यहां पर 3 गोलियां भी चली है। सबसे बड़ी चौंकाने की बात बता दें कि आइए कुछ लोगों ने जो आरोप लगाया है, उसको आरोप के खंडन में खासकर शकील अहमद जो यहां पर है, उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। और कुछ लोग यहां पर जो खासकर आसपास के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहां से जो नशा का जो कारोबार है वो बंद हो जाए। खासकर युवाओं के द्वारा जिस तरह से नशा का कारोबार किया जा रहा है या फिर जो लोग कर रहे हैं, इसकी पुष्टि जो है यहाँ की जो एक महिला है उन्होंने किया है और कहा है कि दुकानदार जो है सब बच्चों को बिठाता है और बच्चों को बर्बाद कर रहा है। इसके ऊपर जो है दरभंगा के प्रभारी SSP अशोक प्रसाद ने पुष्टि कर दिया है कि गोली चली है और उन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। जो टीम बनाया गया था उस टीम ने चिन्हित कर लिया है कि कौन किस किस की युवाओं के द्वारा यहां पर उपस्थिति थी और किन लोगों ने गोली चलाया है। ये सभी लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, ऐसा बताया गया है प्रभारी SSP अशोक प्रसाद का। वो भी हम आपको आगे सुनाएंगे। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। सभी खबरों को देखने के लिए भारत उदय समाचार को सभी लोगों तक शेयर जरूर करें। फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं तो शेयर और लाइक और फॉलो जरूर करें। हम यहाँ पे पानी पी रहे थे, पानी पीने के गिलास में हम बोले कि भाई इसमें मेल सारा यानी कि कोई सिरप उरप पिया क्या, इतना बोला वो एक दूठ उठ करके हमको पिस्टल निकाल लिया, मादर चोत गाली उली बोलने लगा, थराम थराम हमको मारने लगा। अच्छा। 4-5 लड़का एक साथ था, उसके बाद मेरा चाचा का लड़का आया, उसको भी पकड़ के पीटने लगा, गोली चलाने लगा। कितनी गोली चली है? 2-3 फायरिंग हुई है सर। किसी को गोली भी लगी है? नहीं लगी है। उसके बाद क्या हुआ? इसमें कौन कौन था? एक सरजील नाम का लड़का है, बाकी को नहीं जानते। सरजील मेरे घर के बगल का है। क्या हुआ? एक फैजान नाम का लड़का है, किला घाट का, पिस्टल से मारा है सर। कौन मारा पिस्टल से? सरजील नाम का लड़का मारा है। कौन मारा पिस्टल से? सरजील नाम का लड़का मारा है, शकील का बेटा है, वो भी प्रेस रिपोर्टर है दैनिक भास्कर का। हीरो बनता सर, हमको बहुत मार मारा है यहाँ पे। अपने आप को दिखाता है कि हम बंदूक वाले हैं, इसीलिए फायरिंग करता है। यहाँ पे क्या कर रहे थे सभी लड़के? यहाँ पे क्या कर रहे थे सभी लड़के? चाय पी रहे थे सर, ये होटल है। नमाज पर गए चाय? दो है, एक हम है, एक अंदर है, बोला कि DMCH जा रहे हैं। नहीं किया हम तो थाना पे। सभी किसी को गोली उली भी लगी है? नहीं, गोली नहीं लगी। थाना पे अभी गए थे तो क्या कार्रवाई हुई? थाना पे एफआईआर दर्ज करवाएंगे। पिताजी का दैनिक भारत में काम करते हैं। पर जो गोलीबारी की घटना सामने आ रही है उसमें क्या जानकारी है सर? हाँ, ये शाम की घटना है, उसमें कुछ स्थानीय लड़के जो पहले से भी उनका पूर्व आपराधिक इतिहास रहा है, कुछ लड़के वहाँ पे चाय पीने के बहाने एकत्रित हुए थे, आपस में झगड़ा कर लिए, उसमें 4-5 लोगों को चिन्हित किया गया है और एक गोली चलाने की बात आ रही है। हालांकि किसी को गोली लगी नहीं है, मारपीट में 1-2 लोग जख्मी हुए हैं और एक खोखा बरामद हुआ है वहाँ से, और सभी लोग चिन्हित हो गए हैं और हम लोग की एक टीम बनी हुई है, उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग तुरंत कर लेंगे। सर मुझे पता नहीं मामला क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1 साल से मैं शराब माफियाओं के, ड्रग्स माफियाओं के टारगेट पे हूँ। कई बार अटैक हो चुका है, अभी ये मेरा बच्चा यहाँ रहता नहीं है, चाय पीने गया था अपने दोस्त के साथ, उस पर अटैक किया गया है, गोली उली चलाया गया है, और मैं बार बार ये यहाँ का प्रशासन भी जानता है कि मैं इन लोगों के खिलाफ न्यूज़ खबरें बनाता रहता हूँ, छापता रहता हूँ, तो उनके टारगेट पे हूँ। सीधी सी बात है, मेरा परिवार टारगेट पे। ये टारगेट का ही बहाना है क्योंकि नाम आ रहा है कि आपके ही बच्चे ने गोली चलाया। ये तो मतलब देखने वाली बात होगी, मेरा बच्चा गोली कैसे चला गया सर? उसके पास रिवॉल्वर आएगा कहाँ से? अरे वो यहाँ रहता भी नहीं है, वो कलकत्ता में रहता है, वो आया 1 महीना के लिए छुट्टी पे, होटल मैनेजमेंट उसका फाइनल हुआ है, अभी वो छुट्टी पे आया है, जॉब सर्च कर रहा है, जॉब हंटिंग कर रहा है। आपको ये पता है कि आपका बच्चा वो खान चौक पर करने क्या गया था? चाय पीने गया था। घर में कोई नहीं है, परिवार, मेरी सास बीमार है, मेरी वाइफ ताजपुर में है, अभी गाड़ी भेजा है, आप लोग के सामने गाड़ी गई मेरी वाइफ को लाने के लिए, मैं अकेला, मैं बाहर था। तो वहाँ जो अभी एक गाड़ी बोला कि ये गाड़ी से आया हुआ था और यहाँ पे मार, गाड़ी से आया नहीं था, ठीक है, खान चौक पर पैदल गया है, उधर से उसका एक दोस्त गाड़ी से आया, तो बैठ के चाय पी रहा था, उसके बाद इसको निशाने पे लिया। ये अभी आपके बच्चे हैं कहाँ? ये मुझे नहीं पता, आप लोग ढूंढ के ला दीजिए मेरे बच्चे को।
किडनैप कर लिया, मार के फेंक दिया आपको। अभी पुलिस प्रशासन आई थी तो आपने कुछ बयान दिया या उन्होंने कोई बयान लिया आपसे? नहीं, हम पुलिस प्रशासन को कहा था कि मेरा भी बयान ले लीजिए, हम पत्रकार हैं, एक साल से टारगेट पे शराब माफियाओं के। उन्होंने कहा कि हम आपका बयान नहीं लेंगे, हम पीड़ित परिवार का बयान लेंगे। अब वो पीड़ित, वो अब उनके हिसाब से वो पीड़ित है कि हम पीड़ित हैं, अब वो डिसाइड करें। तो क्या आपका कहना है कि आपके बच्चे पर ही हमला किया गया? बिल्कुल, मेरे बच्चे पर हमला किया गया। तो ये कुछ आपको सूचना मिला कि आपका बच्चा जख्मी है कि नहीं है? अभी मेरा बच्चा ही नहीं मिला है हमको अभी तक सर। मेरा बच्चा कहाँ है? हमको अभी तक बच्चा नहीं मिला है। मेरा बच्चा कहाँ है? एक साल से चल रहा है, कई जगह हमने न्यूज चलाए, खबरें चलाए, सबके टारगेट पे। यहाँ पे आप ये दारू माफिया को पकड़वाया था? यही पर, जहाँ पे आप कर रहे हैं यही पर। कितना पे आप कर रहे हैं? एक साल हुआ होगा। एक साल जी, खबर चली है, देखिएगा दरभंगा समाचार, दैनिक भारत, सब खबर चली है। देखिए आपके कथनानुसार कि वो ये दारू पकड़ने मैं टारगेट पे हूँ सर, सीधी सीधी बात, शराब माफियाओं में। मुझे प्रशासन से सुरक्षा चाहिए, मेरे परिवार। क्या नाम है? मेरा नाम शकील है। गाड़ी छोड़ के भागा। कौन कौन गोली चलाया? वही चारों लड़का, शर्जिल और एक फैजान, विक्की विक्की और एक साकिर। झंझट किससे हुआ था मोटरसाइकिल को लेकर? पहले वाले झंझट में वो चारों था। झंझट किससे हुआ था? वो महल्ले वाले, महल्ले हम लोगों से। अच्छा, हम लोग बूढ़े बुजुर्ग बना किया कि स्पीड में चलाओ, उसी के लिए वही चारों आज गोली चलाया है। कितना राउंड गोली आज चलाया? तीन लोगों को यही बना एक बात हो दोनों के साथ हुआ था। क्या की आज से 20 रोज पहले रोड का घटना हुआ है, स्पीड में गाड़ी आ रही थी, उसको रोक के कहा गया कि स्लो चलाने के लिए। तो उसने जो है गाड़ी रोक के कहा तेरे बाप का रोड है, उसी पर लोगों ने कहा कि बाप का तो नहीं है लेकिन अवाम बस्ती का रोड है, धीरे चल। उसको रिवॉल्वर लगाता हुआ भागा, जिसका एफ आई आर हम लोग थाने में पहले से दिए हुए, क्योंकि थाने वाले लोग भी आए, अफसर इंचार्ज आए और पूछे कि क्या नाम सब है। हम कहा सर पता लगते ही हम बताएंगे। वही चारों लड़का आज फिर यहाँ आके दो आदमी पर एकदम तड़ातल गोली चलाया, भागा जो तो उसको कुंदा से वार किया, कुंदा से वार किया तो एक डैमेज है, गोली भी संगत में लगा हुआ है उसको, जो अभी हॉस्पिटल में है DMCH में। और एक लड़का आपके सामने में यहीं पर है अभी, पूरी सड़क पर थे। कहाँ लड़का? दुकान वाले से खाना खर्च करने के लिए यहाँ पर बर्बाद किया हुआ है। सबके दुकान में घुस के खा भी लेता है और सबको बांस भी कर देता है। ये चाहे रहा है की दुकान उजड़ जाए, गाजा हफीम यहाँ पर बैठ के पीता है सब। अभी हादसा क्या हुआ है? ये हादसा हुआ कि लोग नमाज का टाइम था, नमाज कुरान कर रहा था, दूसरा चाचा था वो पिछवाड़े में उधर जा करके गाजा ऊपर पी रहा था कि क्या कर रहा था। उधर जा करके भाई मैं मारपीट किया, गोली फायरिंग किया, तीन फायरिंग किया। कितनी राउंड फायरिंग हुई है? तीन 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 राउंड हुई है। हाँ, नमाज कुरान में अपने लगे रहते हैं, जुमा के दिन आदमी रहता नहीं है। दुकान उकान बंद करके, दुकान वाला ये दुकान खोले हुआ है, इसके दुकान में सब जबरदस्ती बैठ जाएगा। सब जो अगर नहीं बैठने देगा दुकान में तो दुकान को कहेगा कि तुमको दुकान बस निकल देंगे। गाजा हफीम वहीं पर खाता है, पिछवाड़े में उधर जा करके सब लोग यहाँ पर गलत गलत काम करता है। कहाँ का लड़का लोग रहता है? अब कहाँ का लड़का लोग यही नहीं जान रहा ना। दुकानदार कहाँ का है? एक तो फाजुल्ला खा का है जो है पुरानी मुंसफी का, एक जानने एक आपको जो है यहाँ पर का नहीं जानते। हम लोग नहीं जानते ना नाम, हम लोग बाद में आए। क्या हुआ? क्या उनका फायरिंग किया यहाँ पर? तीन फायरिंग किया, दो आदमी घायल हुआ है, DMCH में भी है।